दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज मैं स्टार्ट लेकर आया हिंदी का एक वीडियो, और यह वीडियो आपका है रीट यूपी टेट सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, आज के हिंदी के गद्यांश को लेकर आया हूँ और यह बहुत ही बेहतरीन आपका वीडियो होने वाला है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका निर्देश दिया गया है, डायरेक्शन, प्रश्न संख्या दी गई है 31 से 33 तक के आपको देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के गद्यांश को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गद्यांश का क्या रहा है, आपको प्रश्न किस तरीके से इसका उत्तर देना होगा, आंसर देना होगा। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प चुनना है, जो उचित होगा। समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता का एक अध्ययन किया गया है। भारत में तीन तरह के बच्चों के बीच की तुलना की गई है। एक तरफ वे बच्चों को रखा गया दुकानदारी जो करते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं ऐसे बच्चों को। दूसरी तरफ वे बच्चे रहते हैं, तीसरा ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं। यह है आपका तीसरी तरफ उन बच्चों का था, स्कूल जाते हैं पर कोई मदद घर पर दुकान पर कोई मदद नहीं करते हैं। तो ऐसे तीन प्रकार के बच्चे हो गए। 60 में मैं गद्यांश को ख़त्म करता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो प्रश्न आपका है क्या कह रहा है इससे संबंधित, उस पर हम ध्यान देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा आपका गद्यांश है, पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा। आप सभी लोग ध्यान दें, तीन प्रकार के बच्चों को बताया गया है क्या क्या करते हैं, किस प्रकार की परिवार को मदद करते हैं। समस्याओं का हल समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ है, कौन सा ऐसा विषय है जो समस्या को खोजने के आधारित अध्ययन जो होता है, कौन सा विषय है इससे जुड़ा हुआ था आपको बताना है। गणित, भाषा, दुकानदारी, सामाजिक विज्ञान, क्या हो जाएगा इसमें? तो समस्याओं का हल खोजा जाता है, ये इसका गणित के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत जो भी समस्याएँ होती हैं व्यक्ति उसके अंतर्गत उसका समाधान खोज लेता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किन बच्चों ने, ये गद्यांश पे सवाल हैं, तीन सवाल हैं, सवाल हल करने में मौखिक गणना का प्रयोग किया है, मौखिक रूप से किया है। जो बच्चे ना तो दुकानदारी करते हैं ना ही स्कूल जाते हैं, इन्होंने किया है। जो स्कूली बच्चे दुकानदारी नहीं करते हैं, जो दुकानदारी करते हैं और जो सिर्फ स्कूल जाते हैं, तो किसने किया है इसमें? जो दुकानदारी करते हैं, ये ज़्यादा मौखिक रूप से गणना का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी जो वस्तुएं होती हैं उसके सामान के रेट को जोड़ लेते हैं, तो ये मौखिक रूप से ज़्यादा यूज करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 33 आपका है। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीख सकते हैं, मैंने दुकानदार के बच्चे ही गणित सीख सकते हैं। बच्चों को गणित सीखना चाहिए, बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए। अगला कह रहा है आपसे, बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा इसमें फोर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चों के रोजमर्रा के जीवन में होता है वो काम वाली आने वाली जो भी दक्षताएँ होती हैं स्वतः ही हासिल कर लेते हैं, और वो जान जाते हैं कि क्या कितने का है, कैसा है, किसका प्रयोग किया गया है, तो बच्चे स्वतः ही जान जाते हैं, ये राइट आंसर इसका होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन आपका मुहावरों से लिया गया। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है? दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम, अबनूस का कुंदा। तो बहुत ही आसान सा आपका ये होगा मुहावरा, आस्तीन का सांप का नाम सुने होंगे, कपटी मित्र होगा क्योंकि आपको मौके पर ही वो धोखा देगा, तो उसको बोलते हैं कपटी मित्र, आस्तीन का सांप, राइट आंसर इसका यही उचित होगा। आप लोग देखे भी होंगे कि ऐसे मित्र होते हैं जो समय पर धोखा दे देते हैं, जब आपको ऐन वक्त पे ज़रूरत होगी तभी वो आपको धोखा देंगे या साइड हो जाएंगे। तो ऐसे मित्रों को पहचान कर लेनी चाहिए कि कब कौन काम आएगा, अगर पहचान कर लेंगे तो आप कभी नहीं दुखी होंगे, आप हर कार्य को अपने ऊपर समय से करेंगे, डिपेंड करेंगे। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? दूरदर्शी, दत्चित, कुशाग्र बुद्धि, जितेंद्रिय। तो इसका आप जानते हैं, आप राइट आंसर जितेंद्रिय, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया हो, इंद्रियों को जिसने जीत लिया हो उसको जितेंद्रिय बोलते हैं।
अगला आपका संधि विच्छेद से प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न संधि विच्छेद पवन, कई बार रिकॉर्डेड बार पूछा गया है प्रश्न है। प अवन प प्लस वन पो प्लस अन प प्लस अन, क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इसका हो जाएगा तीसरा पो प्लस अन होता है सी राइट आंसर। और कभी कभी आपसे पो प्लस अन देगा, उसके बाद पूछेगा कि इस क्या होगा, मतलब तीनों जोड़ करके क्या बनेगा, पवन बनेगा पव अन बनेगा, इस तरह से पूछेगा आपसे। तो आपको एकदम क्लियर कट में पढ़ लेना है कि पवन का पो धन अन होता है, ये राइट आंसर सी होगा। चलिए संधि पूछा, अगला प्रश्न आपका संधि से है, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? ग्रामर बेस आपका मजबूत होगा तो आप हिंदी में अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं, इसलिए आपको ग्रामर अच्छे से पढ़ना होगा। यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, क्या होगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा यण संधि, इति धन आदि बराबर इत्यादि हो जाएगा, इत्यादि में कौन सी संधि? तो यण संधि होती है, इसको आप लोग याद रखिएगा यण संधि के लिए। चलिए अगला मुहावरा से प्रश्न है, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, चापलूसी करना, क्या इसमें हो जाएगा? तो इसमें दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, ये हो जाएगा नाक रगड़ना। कोई व्यक्ति नाक रगड़ रहा है तो समझिए दीनतापूर्वक प्रार्थना कर रहा है, तो ये हो जाएगा यही, इसको राइट आंसर लगाना। अगला प्रश्न, उन्मूलन का विलोम क्या है? विलोम से ये प्रश्न है आपका, बहुत ही अच्छे प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट में। उत्थान, उत्कर्ष, रोपण, अवनति, क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका उन्मूलन का होता है विलोम रोपण, इसको याद रखिएगा, सी राइट आंसर होगा। उन्मूलन का क्या होगा? रोपण होगा। और इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखिएगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अति सुघो स्नेहो कुमारग है, किसकी पंक्तियाँ, इस पंक्तियों को किसने लिखा है, किस कवि ने लिखा है, आपको पहचानना है, आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद, किसने लिखा है? तो ये पंक्तियाँ अति सुघो स्नेहो कुमारग हैं, बोधानंद घन, ये घनानंद इसको लिखा है, घनानंद आलम ने लिखा है, राइट आंसर डी हो जाएगा। कुछ पंक्तियाँ आती हैं, इसको आप लोग को लर्न होना चाहिए तभी आप जान पाएंगे। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी मतलब क्या होता है? सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, यमुना, तो इसमें आप यमुना राइट आंसर लगाएंगे, कालिंदी, क्योंकि जो ब्रजवासी थे उसको प्राणदायिनी कहा जाता है यमुना को, तो कालिंदी का मतलब हो जाएगा यमुना, एक नाम इसका ये भी है, पर्यायवाची है। तो अगला प्रश्न है 42 नंबर का प्रश्न, हिंदी का बेहतरीन प्रैक्टिस सेट चल रहा है, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पढ़ना किस मुहावरे का अर्थ है? बहुत ही आराम से आप प्रैक्टिस लगातार 2-3 घंटे प्रैक्टिस करते रहिए, कोई भी एग्जाम आपको देना है तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि एकाएक कोई कार्य होता नहीं है, ना हो पाएगा, ना आप एक दिन में कोई कार्य कर भी सकते हैं, इसलिए आपको डेली तैयार करना है और डेली आपको 3-4 घंटे की पढ़ाई करते रहना है। सिर मारना, सिर पर सेहरा बांधना, बधा होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सिर पर शैतान सवार होना, इसमें सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना सी राइट आंसर होगा इस मुहावरे का, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। कक्षा एक के बच्चे अपने ……… से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं, तो इसमें आप जानते हैं कौन से अनुभव को लेकर आते हैं? घर परिवार और दोस्तों, घर परिवार टीवी, घर परिवार पड़ोसी, घर परिवार परिवेश, तो क्या लेके आते हैं ये बच्चे आप जानते हैं? घर परिवार इनका जो होता है और परिवेश, यही बोलचाल की भाषा छोटे बच्चे जब विद्यालय में आते हैं तो वही लेकर के आते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि माँ उसकी क्या होती है? प्रथम गुरु होती है बच्चे की। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, आपसे पूछेगा ये पंक्तियाँ किसकी हैं या इसके रचनाकार कौन हैं, किसकी है या किस रचनाकार की पंक्तियां हैं, ऐसा प्रश्न आपसे एग्जाम पूछेगा। तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास, सूर्यदास, सभी दास दास हैं, तो आपको पढ़ लेना है तुलसीदास, क्योंकि दशरथ इसमें आया हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण को, जिसमें 24,000 चौपाइयां हैं, चतुर्विध संस्कृति संहिता कहा भी जाता है, तो तुलसीदास ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
हिंदी का पहला पत्र क्या है? उद्दंड मातंड, इतिहास तिमिरनाशक, बनारस अखबार, हरिश्चंद्र मैगजीन। क्या है? तो इसमें उद्दंड मातंड का नाम आएगा, तो हिंदी का पहला ये पत्र है। राइट आंसर इसका होगा यही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निबंध से आपका प्रश्न है, चिंतामणि निबंध किसका निबंध संग्रह है? तो आपको कवि का नाम बता देना है, बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। तो आप जानते हैं ये रामचंद्र शुक्ल का निबंध है चिंतामणि। ये बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। चिंतामणि इनका निबंध है। अगला है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? ये तो प्राथमिक स्तर की पुस्तकें बन रही हैं, निर्माण किया जा रहा है उसका, तो किस पर ध्यान देना है? हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों, उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हों, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएँ शामिल हों। क्या होगा इसमें? इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसमें ए हो जाएगा। हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण प्रारूप शामिल हों, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों, इसका राइट आंसर ये होगा। अगला, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं। अगला पढ़ते हैं, दूसरा ऑप्शन, बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी होता है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो ये आपका है शिक्षण से प्रश्न है, तो बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। भाषा शिक्षण का बहुत ही अध्याय लगा दीजिए। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम। किसके आधार पर होता है? तो ये हो जाएगा क्रिया के आधार पर, लिंग का निर्धारण क्रिया के आधार पर होता है। अगला प्रश्न आपका है कारक से, कारक के कितने भेद होते हैं? 7, 8, 9 और 10। क्या हो जाएंगे? तो इसमें 8 प्रकार के होते हैं कारक, कर्ता ने कर्म को इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। एक प्रश्न आपका आता है कारक से। घा का उच्चारण स्थान या आपका वर्णमाला से है, आपका एक नंबर का ये भी है, वर्णमाला से फिक्स होता है, एक या दो नंबर आपके एग्जाम में हर एग्जाम में आते हैं वर्णमाला से। मूर्धा, कंठ, तालु, दंत, किससे संबंधित है ये? तो ये कंठ से हो जाएगा, का खा गा घा, तो इस तरह से आपको पढ़ना है, किससे हो जाएगा। छा का वर्ण किसके योग से बना है? इसमें आपका एक पूछता है का और सा से, का और चा से, का और छ से, का और सा से। तो आप जानते हैं इसमें ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, का और सा, मूर्धन्य सा से, इसके योग से छा बनता है, ये राइट आंसर ए होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, क्या होगा? एक प्रश्न आपका इससे आता है अस्पृश्यता, जैसे अस्पृश्यता हो गया, आशीर्वाद हो गया, इस तरह से पूछता है अस्पृश्यता, 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 क्या होगा तीसरा इसका राइट? अस्पृश्यता लिखा जाता है इसमें, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्पृश्यता, इसको लगाएंगे। चलिए अगला आपका कवि का, ये भी चुनिंदा प्रश्न है एग्जामिनरों के लिए, कवियत्री, कवित्री, कवियत्री और कवियत्री, चारों में कौन सा सही है? तो कवियत्री सी राइट आंसर इसका सही होगा, कवियत्री होता है। कव यहाँ पे छोटी मात्रा, त्रा पे बड़ी मात्रा, इसको मत भूलिएगा, बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है हर एग्जाम के लिए। अगला यह है, तरड़ी का पर्यायवाची शब्द है, तरड़ी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य, नाम, युति, नदी, क्या होगा इसमें? तो तरड़ी का क्या हो जाता है? सूर्य, नहीं तो नाव या स्त्री लगा दीजिए, ऐसा नहीं होगा, तरड़ी का सूर्य होता है, बहुत ध्यान देना आपको। अगला प्रश्न, मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? सिखी, सापक, विभावरी, मत्स्य। मीन का होता है मत्स्य, डी राइट आंसर होगा, मत्स्य हो जाएगा। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल प्रैक्टिस सेट मिलता है, ओनली प्रैक्टिस सेट, और किसी तरह की बात नहीं होती इस यूट्यूब चैनल पे, ना ही आप लोगों को किसी प्रकार का पैसा पेड करना पड़ता है। तो आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, और कम से कम समय में आपको 30 प्रश्न सॉल्व करवा दिए जाते हैं जो भी एग्जाम आपके आने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट करिए। निम्न दिए हुए
शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या, क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा भार्या। यह अर्थ है आत्मजा, नंदिनी, कन्या, ये सब पुत्री का होता है, लेकिन भार्या का अलग होता है। इसका राइट आंसर होगा। अगला है अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है? स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिक, अद्वितीय। अनुपम का क्या होता है? इसमें अद्वितीय होता है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द अद्वितीय होता है। राइट आंसर हो जाएगा अद्वितीय, डी। कान का कच्चा होने का अर्थ, ये तो मुहावरे से आपका प्रश्न है, इसको देखिए आप। कान का कच्चा होने का अर्थ है कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना, कान का कमजोर होना। ये हो जाएगा दूसरा, सुनी बात पर विश्वास करना। ये आपके हिंदी के प्रैक्टिस सेट का 30 प्रश्न था जो आपका कंप्लीट हुआ। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।